स्कूल फीस के लिए निजी विद्यालय अभिभावकों पर बना रहे हैं दबाव। कोरोना काल में निजी विद्यालयों के शिक्षा व्यवस्था को लेकर समाज सेवी सह शिक्षक ललन मिश्रा ने शुक्रवार को मधुपुर के भगत सिंह चौक पर जनता के बीच अपनी बातों को रखते हुए जागरूक करने के प्रयास किया। उन्होंने कोरोना काल में निजी विद्यालय द्वारा छात्रों से फीस वसूली की मनमानी के खिलाफ अपनी बातों से अभिभावकों व आम जनता को अवगत कराया। निजी विद्यालयों के रवैये से परेशान अभिभावकों की पीड़ा दर्शाते हुए उन्होंने विरोध में आवाज को बुलंद किया। कहा कि कोरोना काल में मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों का रोजगार बंद होने के कारण जहां खाने पीने के अभाव हो गया है, वहीं दूसरों और विद्यालय द्वारा मांगी जा रही फीस कहां से भर पाएंगे। खबर है झारखंड से। हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। हेमंत सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में पुलिस का डर समाप्त हो गया है। दिन दहाड़े अपराधी को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। ये बातें शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष निवास मंडल ने प्रेषित विज्ञापित जारी कर कही। स्थानीय युवाओं को रोजगार दे BGR कोल कंपनी। प्रखंड के शहर ग्राम पंचायत के थावड़ डंगाल गाँव के जाहिर थान परिसर में शुक्रवार को भारतीय जन कल्याण परिषद की बैठक हीरो सी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संथाल परगना क्षेत्र में जो भी यहां के रहने वाले लोगों के साथ अन्याय करेगा या यहां के लोगों के दुख दर्द को नहीं समझेगा, उसके खिलाफ भारतीय जन कल्याण परिषद लड़ाई लड़ेगा। खबर है झारखंड से। झारखंड के डिग्री कॉलेज में अभी जारी रहेगी इंटर की पढ़ाई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण फिलहाल डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग नहीं होगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की गुरुवार को कुलपति के साथ ऑनलाइन हुई बैठक में इस पर गहन चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी की परिस्थिति में तत्काल इसे अलग करना अन्याय संगत नहीं है। हालांकि यह भी कहा गया कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई डिग्री कॉलेज से अलग करना आवश्यक है, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण जल्दबाजी में इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। तय हुआ कि भविष्य में इंटरमीडिएट को डिग्री से अलग करने को लेकर शीघ्र ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साथ अलग से बैठक की जाएगी। खबर है झारखंड से। संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली। नियम विरुद्ध सभी पद SC ST व OBC के लिए आरक्षित। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। आरक्षण की तय सीमा है, लेकिन झारखंड सरकार के भवन प्रमंडल विभाग ने तमाम नियमों को अनदेखी कर विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी पद आरक्षित कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि विभाग ने इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी ACB एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को पत्र भी लिखा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के ऑपरेटर को भेजा जाए। खबर है किसानों से जुड़ा हुआ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसान होंगे आत्मनिर्भर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसानों की स्थिति में सुधार होंगे। कृषि विभाग में बुनियादी सुविधाएं विकसित करेंगे। चूंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की राशि का इस्तेमाल कृषि संबंधी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। उक्त बातें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन को लेकर आयोजित बैठक में उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कही। खबर है पश्चिम बंगाल से। बंगाल में लगातार दूसरे दिन पूर्ण लॉकडाउन के चलते जलजीवन प्रभावित, पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंगाल सरकार ने पूर्ण घोषित निर्णय के अनुसार लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन के कारण कोलकाता सहित पूरे राज्य भर में जनजीवन की लगातार थमसी गई है। महानगर सहित अधिकतर जिलों में सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दुकान, निजी व सरकारी कार्यालय, व्यापारी प्रतिष्ठान, परिवहन सेवा, बैंक आदि सब बंद हैं। कोलकाता में कोरोना के प्रकोप के बीच डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। खासकर छोटे बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में अब तक 40 बच्चे भर्ती कराए जा चुके हैं, जिनमें से 20 को ICU में रखना पड़ रहा था। अभी भी 2 बच्चे का वहां इलाज चल रहा है। खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा व बसपा शासन की तुलना में अपराध कम है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस होने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को विधान परिषद में विपक्षी दल ने सरकार पर तीखे हमले किए। कानपुर के विगरू कांड व संजीत यादव हत्याकांड, लखीमपुर खीरी में नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या, प्रतापगढ़ में
दलितों पर दबंगों के हमले और आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या जैसी जघन्य अपराधों घटनाओं का हवाला देते हुए सपा बसपा और कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वही नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आंकड़ों का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि बसपा और सपा सरकारों की तुलना में योगी राज में अपराधों की कमी आई है। खबर है कानपुर से। सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है बिगरू कांड पर बन रही वेब सीरीज प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के कारनामों पर बनी है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिगरू कांड ने पूरे देश ही नहीं देश को भी झकझोर कर रख दिया था। 2 जुलाई की रात इस घटना का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया था। कानपुर आते समय गाड़ी पलटने के बाद वह भागने की कोशिश में मारा गया था। अब इस पूरी घटना को लेकर वेब सीरीज के प्रोड्यूसर ने पूरी फिल्म बनारस में तैयार की है। इसका ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दिया गया है, जो कम समय में वेब सीरीज के ट्रेलर को लाखों की तादाद में लोग देख चुके हैं। कोरोना संदिग्ध भी दे सकेंगे वोट, लेकिन चुनाव आयुक्त ने लगा दी है ये शर्तें। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी शर्त। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। आयोग ने चुनाव के मद्देनजर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। बिहार पहला राज्य होगा जहां महामारी के बीच विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में चुनाव अक्टूबर नवंबर में किसी समय होंगे। आयोग ने कोरोना संक्रमित और कोरोना संदिग्धों के मतदान के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग को काफी तवज्जो दी गई है, साथ ही सैनिटाइजेशन और फेस मास्क पर भी जोर दिया गया है। खबर है उत्तर प्रदेश से। विधानसभा के एक दिन के लिए स्थगित परिषद में हंगामे के बाद विपक्ष का वॉकआउट। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा में कल शुक्रवार दूसरे दिन भी कार्यवाही नहीं हो सकी। सर्वदलीय बैठक में लिए फैसले के अनुसार विधायक जन्मजय सिंह के शोक में सदन श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद स्थगित कर दिया गया। शनिवार को अवकाश नहीं होगा। आज एक एजेंडा शनिवार को सदन में लागू होगा। पर है बिहार से। बेहद चौंकाने वाली घटना है। ससुर पर भड़के तेज प्रताप, कहा कौन है चंद्रिका राय, गेट पर आए फरिया लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन प्रदेश में सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। उसके बाद 3 RJD विधायक JDU में चले गए। गुरुवार को RJD के 3 और विधायक JDU में शामिल हो गए। इनमें से RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी और विधायक चंद्रिका राय भी हैं। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। हालांकि तेज प्रताप से जब चंद्रिका राय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चंद्रिका राय कौन है, उनकी क्या हैसियत है, लोग लालू यादव को पसंद करते हैं। उन्होंने चुनौती वाली लबजे में कहा, चंद्रिका राय कौन है उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हो सके। उनकी औकात है तो हमारे गेट पर आए, फरिया लेंगे हम उन्हें। खबर है उत्तर प्रदेश के बनारस से। BHU में प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी पूरी। COVID-19 महामारी के मद्देनजर सभी परीक्षाओं केंद्रों को जारी की गई SOP। उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए देश भर में फैले परीक्षा केंद्र पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थी को परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो, वह COVID-19 महामारी के मद्देनजर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण की प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त से 31 अगस्त 2020 के मध्य आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एवं स्नातक स्तर के कुछ पाठ्यक्रम शामिल होंगे। खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। होम डिलीवरी फूड में एक के साथ 2 फ्री का दिया ऑफर। एडवांस पेमेंट करते ही खाते से निकल गए सब रुपये। तो आइए जानते हैं मामला को गंभीरता से। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ऑनलाइन ठगी के मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में एक फेमस रेस्टोरेंट का ऑनलाइन विज्ञापन देकर
होम डिलीवरी फूड में एक के साथ दो फ्री का दिया ऑफर, एडवांस पेमेंट करते ही खाते से निकल गए सब रुपया। कोरोना वायरस के बीच ऑनलाइन ठगी का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एक फेमस रेस्टोरेंट का ऑनलाइन विज्ञापन देकर स्पॉट टीचर के खाते से 12,000 से ज्यादा रुपया निकाल लिए गए। खाते से ज्यादा पैसे कटने के बाद स्पॉट टीचर ने मोधापाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक नयापाड़ा निवासी फारूक अहमद खान स्पॉट टीचर हैं। उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर एमजी रोड स्थित एक नामी रेस्टोरेंट का विज्ञापन देखा। उनमें एक थाली के साथ दो थाली फ्री भोजन का ऑफर था। यह देखकर उनमें दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उधर से एडवांस पेमेंट करने के लिए कहा गया था। खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अदिले को पद से हटाया गया। युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, दवा खरीदने में गड़बड़ी का भी आरोप। दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर एसएल आदिले को राज्य सरकार ने उनकी पद से हटा दिया है। अनुसूचित वर्ग की युवती ने दुष्कर्म के साथ ही उनके ऊपर दवा खरीदने में 95 लाख रुपए की गड़बड़ी करने का भी आरोप है। उनके पद से हटाने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिए हैं। खबर देश दुनिया से। कांग्रेस में दरार, प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी को नहीं बनने देना चाहती है अध्यक्ष, कही बड़ी बातें। इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि कांग्रेस में दो खेमे बन जाने वाले हैं। कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा समर्थक अब राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद पर फिर से राहुल गांधी को बिठाया जाए। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी का खेमा इस बात को बार बार उछाल रहा है कि राहुल गांधी फिर अध्यक्ष बने। सुशांत केस की जाँच सीबीआई के हवाले होते ही बिहार और महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी। रिया चक्रवर्ती भी उसमें शुमार थी। ये मामला रिया चक्रवर्ती ही सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी, ये मांग करते हुए कि बिहार में दर्ज एफआईआर भी मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। रिया चक्रवर्ती को लग रहा था कि बिहार पुलिस फंसा सकती है। एक वजह से यह भी रही है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच का फैसला सुनकर लोगों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने इंसाफ करते हुए दोषियों को सजा भी सुना डाली है। सुशांत के परिवार, करीबी और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी एक ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और निशाने पर आई रिया चक्रवर्ती ने विरोध न किया होता तो शायद सीबीआई जांच को लेकर ऐसा इंतजार भी नहीं होता। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की जांच में रोड़े अटकाकर रहस्य गढ़ा दिया है। पाकिस्तानियों ने घुटनों के बल माना, कश्मीर में पाकिस्तानी की हुई यार, मोदी ने सबको धो डाला। पाकिस्तान को अब यह यकीन हो चुका है कि कश्मीर में पाकिस्तान की हार हो चुकी है। धारा 370 हटने एक साल पूरा हो चुका है और कश्मीर में दहशतगर्दी दम चोड़ चुकी है। पाकिस्तान मीडिया में अब इस मोदी जी की विदेश नीति की ही चर्चे हो रहे हैं। इस तरह से मोदी पाकिस्तान को दुनिया को अलग थलग कर दिया है, बल्कि एक आतंकवादी देश की छवि भी स्थापित कर दी है। 67 देशों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय और संगठन की ओर से आयोजित विश्व सौर प्रौद्योगिकी कांग्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 8 सितंबर को वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। शुभारंभ करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 67 देशों के प्रतिनिधियों के संवाद करेंगे। प्रतिनिधियों में कई देशों के मंत्री से लेकर विभिन्न कंपनियों के चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा भी विशेष रूप से भाग लेंगे। कोरोना ने ली आपकी नौकरी, न करें चिंता, मोदी सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। कोरोना की वजह से जिन लोगों की नौकरी से हाथ धोना पड़ा है उनमें से करीब 40 लाख लोगों को मोदी सरकार राहत देने जा रही है। केंद्र की सरकार ताजा फैसले का फायदा केवल उन बेरोजगारों को मिलेगा जो 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक के बीच अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। वर्कर्स एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC के तहत रजिस्टर्ड लोग ही इस भत्ते का लाभ ले पाएंगे। खबर खेल जगत से। रोहित, मरियप्पन, मनिका, विनेश और रानी को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। देखिए खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड की पूरी लिस्ट। खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को पहले खेल रत्न हासिल करने वाले साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है,
जिससे इस साल यह पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 27 रह गई है। खेल मंत्रालय ने हालांकि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई थी उनमें स्वीकार कर लिया है। लिमिटेड ओवर में इंडिया टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा, पैरा एथलेटिक मरियप्पन थंगावेलू, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा, महिला पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को इस साल राजीव गांधी खेल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। धोनी की अगुवाई में यूएई रवाना हुई सीएसके टीम नजरें खिताबी चौके पर। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद भी कम नहीं हुआ धोनी का जोश। अभ्यास के दौरान लगा रहे हैं बड़े बड़े छक्के। पीएम मोदी सुरेश रैना से कहा, आपके लिए रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि आप अभी युवा हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ करियर में तमाम उतार चढ़ाव के साथ साथी रहे सुरेश रैना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के फैसले में भी उनका साथ दिया है। अपने पसंदीदा कप्तान और मेंटर धोनी के अनुसरण करते हुए रैना ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। यूएई पहुंचे क्रिकेटर्स का जानिए कैसा रहा हाल। दिन बालकोनी में की एक दूसरे से बात। गोलीबारी से दहला यूपी, पुलिस बदमाशों में ताबड़तोड़ चली गोलियां, जब्त किया सामान। खबर है उत्तर प्रदेश के बागपत से। बागपत के सिंघावली अहिर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक सातीर बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध तमचा व मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि कल दोपहर के समय पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के पास एक सातीर बदमाश पनाह लिए हुए थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर में तबाही, खिसक गया पूरा का पूरा पहाड़, फंसे सैकड़ों लोग। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारी बारिश में रामबन में लगभग आधा दर्जन जगहों पर पसिया गिरने की वजह राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके चलते राजमार्ग बंद होने पर उधमपुर व रामबन में सैकड़ों की संख्या में वाहनों को रोक दिया गया है। यहां पर रोके गए अधिकतर वाहन ट्रक हैं। इन फंसे वाहनों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पाक सेना सबसे अमीर, सरकार करती है गरीबी का दिखावा, नेपाल कर रहा है नकल। विभाजन से लेकर अब तक की पाकिस्तान सरकारों का मुख्य मुद्दा अपनी सेना को मजबूत करना ही रहा है। पाकिस्तान सरकार लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन बिता रहे हैं। इसी साल वहां की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने यह आंकड़े दिए। इसके मुताबिक देश की 29.5% आबादी बेहद गरीब की श्रेणी में आती है। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी दुनिया की कुछ सबसे अमीर सेनाओं में से है। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के लोग कर सकेंगे पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव एवं निकट भविष्य में होने वाले अन्य उपचुनावों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प दिव्यांग मतदाताओं और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। इन राज्यों में अगले 3-4 दिन में भयंकर बारिश की आशंका, जल शक्ति मंत्रालय की चेतावनी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ में हालात बने हुए हैं और लाखों लोग प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। इस बीच जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के 5 राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3-4 दिन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की जरूरत है। देश की राजधानी में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा, दिल्ली NCR में होनी थी सप्लाई। दिल्ली NCR में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अपराधी कुछ इस कदर बेखौफ हुए हैं कि दिन दहाड़े अपराध कर रहे हैं। दिल्ली के स्पेशल सेल ने दिल्ली में अपराधियों के बीच हथियार सप्लाई करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।